तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। आपका पहला सवाल है, काला सोना किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए गेहूं को, बी चावल को, सी लोहा को, डी कोयला को। आपका सही जवाब होगा डी कोयला को। आपका दूसरा सवाल है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए शिमला को, बी रायपुर को, सी कश्मीर को, डी हैदराबाद को। आपका सही जवाब होगा सी कश्मीर को। आपका तीसरा सवाल है, गरीब की गाय किस जानवर को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए भेड़ को, बी बकरी को, सी ऊंट को, डी बैल को। आपका सही जवाब होगा बी बकरी को। आपका चौथा सवाल है, डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए नॉर्वे को, बी जापान को, सी भारत को, डी अमेरिका को। आपका सही जवाब होगा ए नॉर्वे को। आपका पांचवा सवाल है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पाइथन, बी एनाकोंडा, सी अजगर, डी किंग कोबरा। आपका सही जवाब होगा डी किंग कोबरा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 6 मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए बनारस को, बी तमिलनाडु को, सी महाराष्ट्र को, डी केरल को। डॉट आपका सही जवाब होगा बी तमिलनाडु को। आपका सातवां सवाल है, रोटी बनाने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 2004 में, बी 2006 में, सी 2008 में, डी 2010 में। आपका सही जवाब होगा सी 2008 में। आपका आठवां सवाल है, ताजमहल किस शासक के द्वारा बनवाया गया? आपका ऑप्शन है ए शाहजहां, बी बाबर, सी अकबर, डी जहांगीर। आपका सही जवाब होगा डॉट ए शाहजहां। आपका अगला सवाल है 9 हवाई जहाज की खोज किस देश ने किया है? आपका ऑप्शन है ए चीन ने, बी भारत ने, सी श्रीलंका ने, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा डी अमेरिका ने। आपका दसवां सवाल है, भारत में बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए जयपुर में, बी फतेहपुर सीकरी में, सी मुंबई में, डी पंजाब में। आपका सही जवाब होगा बी फतेहपुर सीकरी में। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 11 कौन सा जानवर आपन करके भी देख सकता है? आपका ऑप्शन है ए नील, बी मधुमक्खी, सी ऊंट, डी हिरण।
आपका सही जवाब होगा सी ऊंट। आपका अगला सवाल है 12। सौर मंडल में कितनी ग्रह हैं? आपका ऑप्शन है ए 7 ग्रह, बी 8 ग्रह, सी 9 ग्रह, डी 5 ग्रह। आपका सही जवाब होगा बी 8 ग्रह। आपका अगला सवाल है 13। भारत के अलावा किस देश में गाय की पूजा होती है? आपका ऑप्शन है ए सऊदी अरब में, बी सिंगापुर में, सी चीन देश में, डी नेपाल देश में। आपका सही जवाब होगा डी नेपाल देश में। आपका अगला सवाल है 14। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? आपका सही जवाब होगा ए 7 रंग, बी 6 रंग, सी 8 रंग, डी 5 रंग। आपका सही जवाब होगा ए 7 रंग। आपका अगला सवाल है 15। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी आगरा में, डी राजस्थान में। आपका सही जवाब होगा बी मुंबई में। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16। मिट्टी का बर्तन डॉट कौन बनाता है? आपका ऑप्शन है ए लोहार, बी सुनार, सी कुम्हार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी कुम्हार। आपका अगला सवाल है 17। भारत के किस राज्य में रावण का मंदिर है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मुंबई, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ए राजस्थान। आपका अगला सवाल है 18। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए क्रिकेट की खेल का एक नियम, बी हराना, सी घायल करना, डी परेशान करना। आपका सही जवाब होगा बी हराना। आपका अगला सवाल है 19। रोटी किस गैस के कारण फूटती है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा डी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 1 सितंबर, बी 5 सितंबर, सी 7 सितंबर, डी 9 सितंबर। आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करें।